शिक्षक साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हम सभी शिक्षकों को बहुआयामी प्रगति पत्र का यह प्रारूप सभी कक्षाओं का उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कि सत्र 2022-23 के लिए है। इसके दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो इस तरह यह दिखाई देता है। इसमें एक बात ध्यान से देखिए कि हमें 6 माह में मासिक आकलन करना है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, और उसके बीच में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और अंत में वार्षिक आकलन होगा। अभी हम मासिक आकलन पर ध्यान देते हैं। तो कक्षा 6 से 8 में 6 विषय होते हैं, और 6 विषयों के अगर हम मासिक आकलन करेंगे प्रत्येक बच्चे का, तब यहाँ पर हम उसके प्राप्तांक और ग्रेड को लिख पाएंगे। तो 1 माह में 1 विषय का 25 पूर्णांक का मासिक आकलन होगा। इस तरह 6 विषय का 150 अंक का मासिक मूल्यांकन होगा। 1 माह का 25 है तो 6 माह के 150 अंक का ये मासिक मूल्यांकन कहलाएगा, जो वार्षिक हो जाएगा। और इसी का अगर 6 विषय के देखते हैं तो 900, मतलब कक्षा 6 से 8 में हमारे पास 3 तरह के पूर्णांक आ रहे हैं, 25, 150 और 900। इसके अनुसार ग्रेड का निर्धारण किया जाना है। का निर्धारण कैसे करेंगे उसको हम बाद में प्रपत्र के रूप में देखते हैं, उसके लिए भी फार्मूला का प्रपत्र में बनाया हुआ हूँ। तो ये 25 अंक के जो प्रश्न पत्र हैं या परीक्षा या आकलन कैसे किया जाएगा इसे देखते हैं। यह भी एक ब्लूप्रिंट हमें दे दिया गया है, उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रश्नों के जो प्रकार हैं ज्ञानात्मक, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मकता के आधार पर, उसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इसमें बंटवारा कर दिया गया है कि कितने अंक के कितने प्रश्न रहेंगे। इस तरह कुल जो मासिक आकलन एक विषय होगा 9 प्रश्नों का होगा, जो कुल 20 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त 5 अंक का प्रोजेक्ट कार्य भी दिया जाएगा। इस तरह मासिक आकलन एक विषय का जो होगा 25 अंकों का होगा, जो हम अभी बहुआयामी प्रगति पत्रक के प्रारूप में देख चुके हैं। बहुआयामी प्रगति पत्र को भरने के लिए आवश्यक है प्रत्येक महीने के डाटा को सही से संकलन किया जाए, तो उसके लिए यह प्रारूप बनाया हुआ हूँ। आगे बढ़ूँ उससे पहले यदि यह वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार यदि आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। क्योंकि आगे मैं जितने भी प्रपत्र प्रारूप हैं, चाहे वो त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, सभी का गणना, फर्द सब कुछ उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रपत्र मैं आपके लिए बनाया हूँ। ये सारे प्रपत्र जो भी हैं सभी के PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके इसे भर सकते हैं। ये प्रत्येक माह का आप बनाएंगे। ये एक प्रपत्र जो है 15 बच्चों का है, तो आपके 6 से 8 में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से इसको प्रिंट आउट 1 महीने में करा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम, विकास खंड का नाम, यहाँ पर जिस माह का आकलन आप कर रहे हैं, जैसे जुलाई 2022 तो जुलाई 2022, कक्षा जिस कक्षा का आकलन है उस कक्षा के बच्चों का नाम यहाँ पर रहेगा, उनके पिता का नाम रहेगा। और जिस माह कर रहे हैं, जैसे एक विद्यार्थी का हम देखते हैं, तो यहाँ पर 6 विषय भी आप देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये प्रपत्र उसी क्रम में बनाया हूँ जिस क्रम में हमारा बहुआयामी प्रगति पत्र है। यहाँ पर हिंदी को जैसे देखते हैं तो जो प्रश्न पत्र तैयार करना है 20 पूर्णांक का, जिसमें ज्ञानात्मक, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मकता के प्रश्न होंगे, उस 20 पूर्णांक में से जितना बच्चा पाए गए यहाँ लिख देंगे। फिर जो प्रोजेक्ट कार्ड दिए हुए हैं 5 का, उस 5 में से जितना पाए गए यहाँ लिख देंगे, दोनों के योग को यहाँ पर लिख देंगे, और फिर इसका ग्रेड यहाँ पर लिखेंगे। ग्रेड के बारे में आगे फिर बात करता हूँ। इसी तरह अंग्रेजी में भी 20 पूर्णांक में यहाँ पर जितना पाएगा, 5 में जितना पाएगा, दोनों का योग यहाँ पर लिखना है। ऐसे करते करते सभी विषय 6 विषय का लिखना है और फिर महायोग करना है। तो 20 के 6 विषय का हो गया 120, और ऐसे 5 के 6 विषय का हो 30, तो कुल महायोग 150 में हो जाएगा, उसका फिर ग्रेड हो जाएगा। एक प्रपत्र में 15 बच्चों का हो जाएगा। अब देखते हैं कि ग्रेड का निर्धारण इन पूर्णांकों के आधार पर कैसे करते हैं। इसके लिए यह फार्मूला मैं बनाया हूँ, बहुआयामी आकलन अंतर्गत मासिक आकलन है तो ग्रेड का फार्मूला, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 8 के 6 विषयों और 6 मासिक टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए ग्रेड हैं, ये तो आपको पता ही है, K+A, B+B, C+C, D और E, इतने ग्रेड में इस प्रतिशत के आधार पर बांटा गया है। तो हमारे पास जो पूर्णांक हैं 25, 150 और 900, इसके अनुसार हमको इस ग्रेड का निर्धारण करना है। तो हम जैसे 25 में देखते हैं कि बच्चा कितना पाएगा किस ग्रेड में, तो 23 से 25 A+, 20 से 22 A, 18 से 19 B+, 15 से 17 B, 13 से 14 C+, 10 से 12 C, 9 अंक पे D और 0 से 8 E ग्रेड कहलाएगा।
मासिक मूल्यांकन के 6 विषयों का प्राप्तांक तथा मासिक मूल्यांकन के 1 विषय सभी 6 मासिक मूल्यांकन के योग का प्राप्तांक यानी 150 पूर्णांक में देखते हैं। 137 से 150 ए प्लस, 122 से 136 ए, 107 से 121 बी प्लस, 92 से 106 बी, 77 से 91 सी प्लस, 62 से 76 सी, 50 से 61 डी, 0 से 49 ई ग्रेड होगा। मासिक मूल्यांकन के सभी 6 विषय के सभी मासिक मूल्यांकन के योग का प्राप्तांक जो कि पूर्णांक 900 होगा, उसके अंदर में देखते हैं 819 से 900 ए प्लस, 729 से 818 ए, 639 से 728 बी प्लस, 549 से 638 बी, 459 से 548 सी प्लस, 369 से 458 सी, 297 से 368 डी, 0 से 296 ई ग्रेड होगा। इस तरह ग्रेड का निर्धारण तय है। से प्रत्येक माह ये प्रपत्र आप भर लेंगे और जब ये प्रपत्र भर उठेगा तो वर्ष के अंत में आपका बहुआयामी प्रगति पत्र जो है आसानी से भर उठेगा। तो फिर से आपको याद दिलाता हूँ, इन सभी प्रपत्रों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और मासिक आकलन कंप्लीट कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।